हेलो गाइस, मैं हूं विशाल और आज मैं फिर से आ गया हूं एक और नया स्केटिंग लेसन लेकर। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं इनलाइन स्केट पर पावर स्लाइड। तो पावर स्लाइड आपको कहां पर काम आता है वो तो आपको पता ही होगा। आपको अचानक से अगर रुकना हुआ तो वहां पर आपको पावर स्लाइड बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो ईजी स्टेप होने वाली है, स्टेप्स ईजी होगी, लेकिन जो पावर स्लाइड है वो थोड़ी हार्ड पड़ सकती है। आप बिगनर हो तो आपको थोड़ा बहुत हार्ड लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ईजी स्टेप में सिखाने की कोशिश करूँगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो आई होप कि आप आसानी से सीख जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं बिना देरी किए पावर स्लाइड। तो गाइस, सबसे पहली स्टेप आपको करनी है, आपको अपने पैरों की मूवमेंट ध्यान रखना है, पैरों की मूवमेंट करने की कोशिश करना है। तो क्या पैरों की मूवमेंट रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देख लो, आपको अपने पैरों को कुछ इस तरह से, शुरुआत में पोजीशन रहेगी आपकी, तो आपको सबसे पहले ये वाला पैर, अगर आप स्लाइड करते हो तो ये वाले पैर को हल्का सा पीछे रखना है और फिर इस पैर को उठाकर यूं पोजीशन में लाना है इस तरह से, और फिर इस पैर को उठाकर आपको इस पोजीशन में लाना है। देख रहे हो, आपको कुछ इस तरह से लाना चाहिए, मतलब इस तरह से आपकी पैरों की मूवमेंट होनी चाहिए। ये इस तरह से पैरों की मूवमेंट करना है, तब तक करना जब तक आप कंफर्टेबल ना हो जाए। जब आप अच्छे से कंफर्टेबल हो जाओगे तो आपको ये करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और एक बात और ध्यान रखना है कि आपका जो पिछला पैर है उसको पूरा 180 डिग्री घुमाकर रखना है, और जिस दिशा में आपका अगला पैर स्लाइड करते हुए जाएगा उस दिशा में आपका पिछला पैर पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए, ताकि वो बैकवर्ड स्केट कर सके और आपका जो बैलेंस है वो भी बिगड़े ना। तो गाइस, पैरों की मूवमेंट सीखने के बाद आपको अब हल्की सी स्पीड लेना है, स्केटिंग की हल्की सी स्पीड रखना है, और फिर आपको ये वाली स्टेप करने की कोशिश करना है जो आपने पैरों की मूवमेंट सीखी है। तो इसमें आपको स्लाइड नहीं करना है, बस आपको ये मूवमेंट करने की कोशिश करना है। किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको कुछ इस तरह से हल्की स्पीड में स्केट करते हुए आना है, और फिर आपको ये पैरों की मूवमेंट ट्राई करनी है। तो बार बार आपको ये वाली पैरों की मूवमेंट को प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ताकि जब आप स्लाइड करोगे तब आपको ये पैरों की मूवमेंट करने में दिक्कत ना आए। बस आपका फोकस स्लाइड करने पर होना चाहिए और आपका बैलेंस बनाने पर होना चाहिए। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है बस। तो गाइस, हल्की स्पीड में पैरों की मूवमेंट ट्राई करने के बाद आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना है, अपनी स्केटिंग स्पीड को बढ़ाना है, और फिर आपको ट्राई करना है कि आपका जो पैर है, जो आपने पैर आगे रखते हो उसको स्लाइड करना है। तो किस तरह से आपको स्लाइड करना है और स्लाइड करते वक्त क्या बात ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप देखो, आपको पैर किस तरह से रखना है, बता, पास में से बता जरा। तो आपको पैर थोड़ा तिरछा रखना है, जब आप स्लाइड करोगे तो इसको थोड़ा तिरछा रखना है। इससे क्या होगा कि ये थोड़ा स्लाइड करेगा। अगर आप खड़ा रखते हो तो आपका जो पैर है वो स्लाइड नहीं करेगा, आप यूं इस तरह से गिर सकते हो। तो आपको थोड़ा पैर तिरछा रखना है, जिससे कि ये स्लाइड करेगा, अच्छे से स्लाइड करेगा। जितना ज़्यादा तिरछा रखोगे उतना ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा और ये आसानी से स्लाइड करेगा। तो आपको किस तरह से हल्की सी स्पीड बढ़ाकर और फिर स्लाइड करने की प्रैक्टिस करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको हल्की सी स्पीड में स्केट करते हुए आना है और फिर वही पैरों की मूवमेंट करने की कोशिश करना है। बस इस बार आपको आपका जो पैर है, जो पैर स्लाइड होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा तिरछा रखने की कोशिश करना है, वो आसानी से स्लाइड हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस बॉडी बैलेंस के लिए आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है, लेकिन फिर भी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो भी हो जाएगा। तो हल्की स्पीड में आप स्लाइड ट्राई करने के बाद जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाते हो तो इसमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने का ट्राई करना, मतलब थोड़ी ज़्यादा स्पीड में करने की कोशिश करना। तो जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आपकी जो स्पीड है वो भी बढ़ने लग जाएगी, और आपका जो कंट्रोल है पैरों की मूवमेंट पे वो भी आसानी से अच्छा होने लगेगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी आप स्पीड में भी इसे ट्राई करने लग जाओगे। तो गाइस, यहाँ तक तो आप पावर स्लाइड लगभग सीख ही जाओगे, मतलब आप स्पीड में भी करने लग गए हो, तो पूरी तरह से एक तरह से आप पावर स्लाइड सीख ही चुके हैं। लेकिन इसके बाद आपको लास्ट स्टेप सीखनी है, जो कि आती है जिसमें आपको फाइनल टचअप देना पड़ता है अपनी पावर स्लाइड को। मतलब जब वहाँ पर आप पैर उठा उठा कर रखते हो, वहाँ पर आप बिना पैरों को उठाए सिर्फ स्लाइड करते हुए उस पोजीशन में लाना रहता है, जो पावर स्लाइड की पोजीशन रहती है पैरों की, वो वाली पोजीशन में लाना पड़ता है। फाइनल टचअप में आपको क्या करना है, देख लो, आपको अपने पैरों की मूवमेंट जो है, आप कुछ इस तरह से उठा उठा कर यूं रखते हो, आपको ये मूवमेंट नहीं करना है। आपको कुछ इस तरह से अपने जो पिछला पैर रहता है, ये वाले पैर को घुमाते हो, इसको आपको इस तरह से स्लाइड करते हुए इस पोजीशन में लाना है, और ये वाला जो पैर है इसको भी एड़ी वाले व्हील से स्लाइड करते हुए इस तरह से लाना है। तो कुछ इस तरह से पोजीशन रहेगी आपकी, मतलब यहाँ पर आप उठा कर नहीं रख रहे हो, बस आप इस पर हल्का वजन रख रहे हो, और यहाँ पर ये वाले पैर पर भी एड़ी वाले व्हील पर हल्का वजन रख रहे हो, तो ये स्लाइड हो जाएंगे आसानी से। तो इन पर आपको हल्का वजन रखना है, दोनों पैरों के एड़ी वाले व्हील पर, और फिर ये पोजीशन ट्राई करनी है। लास्ट स्टेप को भी आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है जिस तरह से आपने शुरू से अभी तक प्रैक्टिस करी है। बस इसमें आपको अपने जो पैर है उनको उठा उठा कर नहीं रखना है, बस इनको स्लाइड करते हुए उस पोजीशन में लाना है जिस पोजीशन में आप पावर स्लाइड करते हो। तो किस तरह से आपको करना है, किस तरह से आपकी मूवमेंट होगी वो भी मैं आपको बता रहा हूँ।
तो आपको स्केट करते हुए आना है और आपको पिछले पैर को पूरा एड़ी वाले व्हील से स्लाइड करते हुए पूरा 180 डिग्री घुमाने की कोशिश करना है और सेम टाइम पे आपको जो अगला पैर है जिससे आप स्लाइड करते हो उसको भी तिरछा करके इस तरह से स्लाइडिंग पोजीशन में लाना है। तो ध्यान रखना कि आप जिस पैर से आप स्लाइड कर रहे हो उसको पहले ही तिरछा कर ले और फिर स्लाइडिंग पोजीशन में लाए, अदरवाइज वो ग्रिप पकड़ लेगा और आप उलझ कर गिर भी सकते हो। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना और साथ ही साथ सेफ्टी के साथ प्रैक्टिस करना, हेलमेट वगैरह, नी गार्ड और एल्बो गार्ड वगैरह भी आप पहनना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, गिरे तब भी कोई चोट वोट ना लगे। तो यार किस तरह से आपको पावर स्लाइड सीखनी है वो मैंने आपको पूरा अच्छे से बताने की कोशिश किया है, लेकिन फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। और मैंने आपको वैसे पूरा डिटेल में बताने की कोशिश की है और पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना या फिर इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप मुझे क्लिक करके वहां पर डीएम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए, व्लॉगिंग करते हुए या फिर इसी तरह से नया स्केटिंग लेसन लाते हुए। तो बाय गाइज़।